Now we are starting question number 7, exercise 16.2 class 11th. अभी हमारे पास चल रही है. Two dice are thrown, दो डाई फेंकी जाती हैं और इवेंट ए बी आर इस तरह से गिवन है. तो जब दो डाई हम फेंकते हैं तो ब्रदर मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया कि आप दो डाई फेंकेंगे तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा. सैंपल स्पेस आपके पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बनाए थे वही सैंपल स्पेस है. बट मेरा काम है तो दोबारे में बना देता हूँ. मैंने यहाँ कोमा करके नहीं लिखा है, आप प्लीज कोमा करके लिख लीजिए. 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आपने कोमा करके लिखना चाहिए और ब्रैकेट में बंद करके लिखना चाहिए. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और हमारे पास है 4 1 4 2 4 3. अब तो आपको एरर चुका होगा. 4 4 4 5 4 6 और हमारे पास है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ये हमारे पास सैंपल स्पेस है. आपको इसे अच्छे तरीके से ऐसे कोमा लगा के ऐसे लिखना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सैंपल स्पेस आ गया है. कब? जब आप टू डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं. द इवेंट ए बी सी आर गिवन. ए का मतलब है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. आपको फर्स्ट डाई में जो है क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है. तो आप जब फर्स्ट डाई में इवन नंबर लाएंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, 2 1. ठीक है, और क्या आ सकता है, 2 2 और 2 3 और 2 4 और 2 5 और 2 6. ये आ गया. या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, बिल्कुल वही है जो आपने पहले करा था, 4 5 और 4 6 है. और इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 और 6 4 और 6 5 और 6 6. ये आपके पास तब है जब क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा आपका फर्स्ट डाई में. और अगर आपने जो है गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई पे आपका ओड नंबर आता है, तो अगर ओड नंबर आया फर्स्ट डाई पे तो आपके पास क्या रहेगा, 1 1 1. ये सारी ओड लाइन है ना, तो आप इससे लिख लीजिए. तो 1 1 हो गया है, 1 2 हो गया है, 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह से, और 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6. और इसके अलावा ब्रदर 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5 एंड 5 6. ये क्या है, ये सारे हैं जब आपका फर्स्ट डाई पे कितना रहता है, इवन आपका रहता है फर्स्ट डाई में ओड नंबर. गेटिंग द सम ऑफ द, अब हमारे पास सी है. सी पे देखिए सर, आपके पास क्या ऑप्शन है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई स्मॉलर इक्वल 5. तो आपके पास क्या क्या रहेगा स्मॉलर इक्वल के लिए, 1 1, समझ रहे हो ना, ये 1 1 1 को प्लस करिए 2 होता है, 2 5 से छोटा है, 1 2 1 3 1 4 इसको ले सकते हैं. इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 ये भी ले सकते हैं. इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, 3 1 3 2. इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, 4 1. ये आपके पास सी आ गई. अब जो सम्स है, पहला हमारे पास क्या था, पहला वो कह रहा है कि ए और बी, जो यहां पर सम वो पूछेगा मैं आपको बता देता हूं, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो हमें बताना है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब दोस्तों मैंने आपको कई बार समझाया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जो डिसजॉइंट होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. जैसे ये आपके पास ए है, ये बी है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. तो हम ए बी को और ए को देख लेते हैं, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, आपके पास देखिए सारा का सारा ए है, ये सारा का सारा बी है. अगर आप इसको देखें, ए इंटरसेक्शन बी जिसे आप कहते हैं, हम बोलते हैं ए एंड बी, ए एंड बी आप निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है. अगर ए और बी आपके पास फाई आ रहा है तो इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. बात समझ रहे हैं? अच्छा, सेकंड में उसने पूछा है आपसे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो और इसके अलावा एडजेस्टिव भी हो. तो एडजेस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखने के लिए हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमने देख लिया. अच्छा, एडजेस्टिव के लिए अगर ए और बी
इक्वल टू सैंपल स्पेस आ जाए तो वो एडजस्टिव भी होते। ए और बी को देख लीजिए, ए सर ये सारा है 18 तो यहां पर है, बी ये है सर 18 ये है, अगर ये 18 18 36 ये पूरे 36 है और सेम टू सेम ये सारे जो सैंपल पॉइंट है यहां पर अवेलेबल हो रहे, यानी ये दोनों जब मिल रहे तो आपका पूरा सैंपल स्पेस दे रहे हैं, इसका मतलब ये एडजस्टिव भी है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी हो गया। थर्ड हमारे पास है, थर्ड में जो हमें ये पूछ रहा है इधर, और थर्ड में आपके पास ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं। थर्ड में पूछ रहा है कि जो आपका ए है वो क्या इक्वल टू है नोट बी के, हम इसे क्या बोलते हैं नोट बी, तो ए इक्वल टू है नोट बी के। चलिए सर देख लेते हैं, अगर आप नोट बी निकालेंगे, नोट बी निकालेंगे जिसे आप बी कंप्लीमेंट कहते थे सेट में, तो आपके पास बी ये है, अब बी का आप नोट बी करेंगे तो ये सारे के सारे छोड़कर जो बाकी बचे, बाकी तो ये लाइनें बच गई और ये लाइनें क्या है ए है, यस तो ये बात भी आपकी यहां तक बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम फोर्थ को देख लेते हैं और फोर्थ में ये कह रहा है कि आपके पास क्या जो ए और सी है, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एंड म्यूचुअली एडजस्टिव, ये हमें देखना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एडजस्टिव है। तो ए और सी को देख लीजिए, तो ए और सी आपके पास ये दो ऑप्शन है, तो ए और सी को जब हम यहां पर देखते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको इंटरसेक्शन यानी एंड देखना होता है, तो ए और सी में कोई कॉमन है देख लीजिए यहां पर सर, ये रहा 4 और 1 ये रहा और 4 और 1 ये रहा, इसमें कॉमन है यानी कि इज नॉट इक्वल टू 5, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अच्छा दूसरी बात देख लीजिए कि अगर ए और सी क्या सैंपल स्पेस बना रहे हैं, अगर मैं इन पॉइंटों को और इस पॉइंटों को मिलाऊं तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट बन जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो सैंपल स्पेस भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो है म्यूचुअली एडजस्टिव भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में ए और बी, अब हम देखते हैं कि आपके पास क्या जो ए नंबर 5 है ए एंड जो बी है नोट बी आर म्यूचुअली क्या ये एक्सक्लूसिव है, तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो ए क्या आपके पास ए ये रहा और नोट बी आपके पास क्या है नोट बी, नोट बी को आप देखोगे इसे छोड़कर बाकी जो वहां बचे, इसे छोड़कर बाकी कौन बचे, बाकी हमारे पास यहां पर बच गया है ए बचेगा सर, ये लाइनें बचेंगी ना और ये क्या होगा ए होगा। तो अगर आपको ये देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है तो आप इनका क्या करते हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन, ए और ए में कॉमन ढूंढोगे तो ब्रदर यही तो आ जाएंगे सारे, तो आपके पास ए आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 5 और ये 5 के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं होगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जो 5 के इक्वल आता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है जो कि डिसजॉइंट होता है। लास्ट पार्ट में यहां पर ले लेता हूं, वो लास्ट पार्ट है मेरे पास, ये आपके पास आ गया है नोट ए नोट बी एंड सी आर, आपको ये बताना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है और म्यूचुअली एडजस्टिव है कि नहीं, ये दो बता रहे हैं। अच्छा देखिए अगर आप ये करें, पहले आप इसको देख लीजिए म्यूचुअली एडजस्टिव, अगर आप ए का नोट ए करते हैं नोट ए कर रहे हैं तो मतलब ये आएगा क्या आ जाएगा आपके पास बी, और अगर आप बी का क्या करते हैं नोट ए कर नोट बी करते हैं तो क्या आएगा ए आ जाएगा और सी आपके पास है, और अगर आप इनका यूनियन निकाल कर देखें तो डेफिनेटली आपके पास ए बी सी का जब आप यहां पर सबको यूनियन करेंगे आप और करेंगे यानी सबको एक साथ लेंगे तो यही सारे आ जाएंगे, तो सैंपल स्पेस तो बन रहा है यानी कि ये म्यूचुअली एडजस्टिव तो है, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये देखने के लिए हम इसको देखना चालू करते हैं। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमें देखना होता है कि उसमें कुछ कॉमन ना मिले, लेकिन अगर हम बी और ए को देखते हैं तो इन दोनों में तो बी और ए में कुछ भी नहीं मिल रहा है ठीक है, लेकिन अगर ए और सी को यहां से ये जो आएगा उसके साथ अगर हम सी को देखें ए और सी को देखते हैं
तो ए और सी को देखिए सर, इसमें आपके पास ये सारे के सारे, ये सारे यहां पर अवेलेबल अवेलेबल है, इसका मतलब ये नोड फाइ आ रहा है, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी आपके पास नोड फाइ आ रहा है, यानी इसमें कुछ कॉमन मिल गया है, और कुछ कॉमन मिल गया है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब जो हमारा फिफ्थ नंबर में सिक्स नंबर में जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि नोट ए एंड नोट बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एडजेसिव इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है। आई हैव, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझने में आसानी रही है, अच्छा समझ में आया है, तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, हमारे साथ बने रहिए। हम डेली 5 या 5 से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, हम 9th, 10th, 11th, 12th की सारी वीडियो अपलोड फुल सॉल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे। इसके अलावा हम काफी सारी जो एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जहां पर हमें ट्रिकी सॉल्यूशन चाहिए होता है मैथ्स का, ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूअस देखिए। थैंक यू वेरी मच।